नमस्कार, मोहर ट्रेडिंग के इस खास शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज 2020 का आखिरकार दिवाली का मुहूर्त हम देख पा रहे हैं और इस समय देश में अनलॉकिंग भी है, यानी कि बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आज हमने देखा बहुत सारे सड़कों में भीड़ भी थी और इससे पहले भी आज जब अनलॉकिंग की पूरी प्रक्रिया हुई तो लग रहा था कि इस बार की दिवाली भी थोड़ी रंगीन रहने वाली है। वैसी उन्नी होगी जैसे हम तो उम्मीद कर रहे थे आज से 3 महीने पहले कि पता नहीं इस देश में कब से कब और कैसे दिवाली मनाई जाएगी। खैर, पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में रोशन हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सबके जीवन में, आपके ट्रेडिंग में, आपके पोर्टफोलियोज में, सब में रोशनी ही रोशनी हो, कहीं अंधकार ना हो, ना वो अज्ञान का अंधकार हो, ना वो पैसे का अंधकार हो। कहते हैं अगर ज्ञान और लक्ष्मी दोनों एक साथ में आ जाए तो फिर उन्नति उन्नति है। इसलिए कहा भी जाता है कि तीनों की एक साथ पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की और फिर सरस्वती माँ की, ज्ञान लक्ष्मी और साथ में उनको कंट्रोल करने वाले गणेश जी। खैर, आप सबको हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरे साथ मेहमानों का सिलसिला भी जुड़ रहा है, आज बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हालांकि मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो 6:15 बजे से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक बार हम जरा आज आशीष सर से और संतोष सर से पहले स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। संतोष सर, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और टीम की तरफ से, आपको पूरे परिवार को। तो मुहूर्त ट्रेडिंग जैसे हम देखते हैं टिपिकली, आप सब दोनों अपने अपने टर्मिनल्स के आगे भी हो गए, थोड़ी देर में मुहूर्त ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले संतोष सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी ब्राइट कलर। आप ऑफिस में कि घर में? थैंक यू। सबसे पहले आप सब आपको और आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली के दिन जैसे आपने कहा कि हमको डिसिप्लिन जरूर इस मार्केट में रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। स्टॉक के बारे में तो हम पूरे साल चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा प्रण लेना चाहिए पूरे इन्वेस्टर्स को कि हम डिसिप्लिन रखेंगे, अच्छे स्टॉक्स पे ध्यान देंगे और कुछ अच्छा एक करने का प्रण लेंगे आज के दिन में। मुझे लगता है कि मुहूर्त के लिए वही सबसे अच्छा जो है अपना संकल्प होगा और सबके लिए। इस बीच एक शेयर और मेरी जो लिस्ट में कल भी था परसों था वो था SBI। एक बार मैं जरा SBI को भी देख लेता हूँ। संतोष सर, एक बार जरा SBI, इसने पूरा साल तो बहुत झकाया, इस बार 232 है, आज ओपनिंग ठीक हुई है, थोड़ा गैप के साथ भी है। नेक्स्ट दिवाली उम्मीद करें कि 300 की कैटेगरी में इसको हम देख रहे होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए जैसा कि आपने पिछली मरतबा ही बात किए थे, 232 के आसपास इसमें एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और उसके आसपास उसके इर्द गिर्द ही ट्रेड हो रहा है। अगर दिवाली पिक के लिए मुझे लगता है कि मैं तो बंधन बैंक के साथ जाना चाहूंगा अगर दिवाली बैंक पिक में देखें, क्योंकि स्ट्रक्चरली वहां पर एक अपमूव आने का बहुत अच्छा चार्ट बन चुका है। इन्वेस्टर इन शोल्डर फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन को काफी डिपेंडेबल फॉर्मेशन होता है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसमें करीब करीब 80-90 रुपए का एक अपमूव हो सकता है। 330-32 के पास इसमें एक ब्रेकआउट ऑलरेडी इन प्लेस है और अभी उसी के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है, इसमें एक अच्छी मूव आने की संभावना मुझे लगती है कि इसमें होगा, क्योंकि SBI का बेस बहुत बड़ा है, इक्विटी बेस काफी बड़ा है, उस पर मूव आना जो है पर इक्विटी पे बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए वो धीरे धीरे चलता है। बंधन बैंक जैसे छोटे बैंक है, अगर इसमें पिकअप हुआ और उसमें अगर इसके फंडामेंटल को भी देखें तो पैरामीटर्स इसके काफी अच्छे हैं, जैसे भी बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोल लीजिए, लोन ग्रोथ बोल लीजिए और इसके NPA के जो रेशियोज हैं वो सारे बोल लीजिए, प्राइस टू बुक देख लीजिए और किसी भी एस्पेक्ट्स को देख लीजिए। तो अगर आप HDFC बैंक को देख रहे हैं बड़े बैंकों में, छोटे बैंकों में अगर हम जैसे बोलते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर काइंड ऑफ है फंडामेंटल पे और टेक्निकल पे, इसमें काफी अच्छा रिवर्सल है इन प्लेस है, तो मुझे लगता है कि इस बैंक को देखना चाहिए। 320 के नीचे का ही एक स्टॉप लॉस लगाएं, बहुत कम नीचे का स्टॉप लॉस है और एक अच्छी अपमूव आने की संभावना इस स्टॉक में है, तो मुझे लगता है कि मैं तो बंधन बैंक के साथ जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। संतोष सर इस बीच है मेरे साथ, उनसे मैं बातचीत करके जरा मैं उनको भी फ्री करूंगा क्योंकि वो काफी समय से मेरे साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि उनकी ट्रेडिंग भी किसी तरह से डिस्टर्ब हो, आज मेरे ट्रेडिंग का सेशन भी छोटा रहता है। संतोष सर, एक आपने बंधन बैंक को दे दिया, DBCI आपने दे दिया, एक और ऐसी लर्निंग जो आप दिवाली पे देना चाहते हो लोगों को कि हाँ भी ठीक है, ये लर्निंग, ये मार्केट की लर्निंग है, आपको इंट्राडे में ऐसा करना है, आपको इन्वेस्टमेंट में ऐसा करना है, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में ऐसी करनी है, क्योंकि आप ही मेंटर हो, कई लोगों ने कई लोगों को आपने ट्रेन किया होगा।
देखिए मुझे लगता है कि आपको सबसे पहली, जैसा कि मैंने कहा कि एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है, फियर एंड ग्रीड हमेशा आपको ओवररूल करता है, लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। कभी भी आप एक तो पहली चीज देखें कि आप अगर FNO ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसा ऐसा माना जाता है कि जो FNO है वो एक वेपन है डिस्ट्रक्शन का, अगर आपका कैपिटल बिल्ड कर सकता है तो वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो वो आप डेफिनेटली रखें, क्योंकि FNO पे काफी बिल्टअप हो जाता है, थोड़े से कैपिटल पे आप बिल्ड कर लेते हो, लेकिन हिट का हमेशा ध्यान रखो कि कितना मार्केट हिट कर सकता है, और उसके बाद फिर आप अपने आप को जो है मार्केट में एक्सपोज करो, क्योंकि मार्केट जो है काफी डायनेमिक है, हमेशा कलर चेंज कर देता है, तो आपको उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी अगर आप निवेशक हैं तो आपको उस तरह समझना है, और ट्रेड तो भी आपको जो है एकदम डिसिप्लिन फॉलो करके चलना है, और क्वालिटी चीज पे हमेशा ध्यान रखना है, और खबरों पे नहीं ध्यान रखते, हम जो भी बोलते हैं आप उसको वास्तविक तौर पे देखें, या फिर आप जो है उसको अपने एडवाइजर से समझें कि हमने जो बात कही है आपके चैनल पे या किसी भी मीडिया में किसी कोई भी एनालिस्ट बोल रहा है तो कितना जो है कितना हद तक वो सही जा सकता है, तो क्योंकि कैपिटल आपका होता है और कैपिटल आपने लगानी होती है, हमने तो केवल एडवाइस देनी होती है, तो कैपिटल आपका है और आप ही यू आर द बेस्ट जज ऑन योर सीट, और आपको एडवाइस मिलती है और एडवाइस के हिसाब से आपको चलना होता है, तो अपना भी जो है इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेडिंग करें। मुझे लगता है कि ये मार्केट है जहां से कि आप वेल्थ अच्छा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रख के कर सकते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन जैसे ही रास्ते से भटके फिर आपको जो है भूल भुलैया में चले जाओगे और फिर बहुत सारी चीजें दायक हो सकती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी जो लर्निंग है दिवाली पे हमारे बहुत कम आ रही है, पहला तो डिसिप्लिन, दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी भी आपको इसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तीसरा जो मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि अगर आप बचे हुए खिलाड़ी नहीं तो FNO से दूर रहो, अगर आप FNO में भी हो तो फिर स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखो, क्योंकि वो वेपन जो फॉर मास डिस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर, बहुत शुक्रिया, आपको दिवाली की फिर से बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बधाई, थैंक यू वेरी मच।